नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो आगे चल करके आपको अच्छा बोनस शेयर दे सकता है, साथ साथ आपको अच्छा ग्रोथ इसमें देखने मिल सकता है। और ये अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनियों में से एक है और इसके जो प्रोडक्ट आप देखेंगे वो मार्केट में लीड करते हैं। दोस्तों ऐसे ही कंपनियों में आप लंबे टाइम तक इन्वेस्टर रह सकते हैं और ये एक ब्लू चिप कंपनी है और जानी मानी कंपनी है और ये FMCG सेक्टर की कंपनी है, मतलब एक इवर ग्रीन सेक्टर की कंपनी है। तो आपको FMCG सेक्टर की कौन सी दो कंपनियां काफी बेहतरीन लगती है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ताकि जो भी नए लोग आए वो भी सीख सकें। और एक कंपनियां हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, दो कंपनियां आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, हर व्यक्ति को दो कंपनियां है FMCG सेक्टर की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंपनी का नाम बाद में हम लेंगे, पहले इसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल्स को जानेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, फिर इसके प्रोडक्ट को, और लास्ट में हम इसके टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इसके लेवल्स और टारगेट की बात करेंगे। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले हम कंपनी का वैल्यूएशन देख लेते हैं। वैल्यूएशन कंपनी देखते हैं 5,44,000 करोड़ मार्केट कैप है कंपनी का। तो कंपनी एक ब्लू चिप कंपनी है, मतलब निश्चित है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट जो है मार्केट में काफ़ी लीड करते होंगे। उसके बाद पी देखते हैं 80 का है, इंडस्ट्री के पी से थोड़ा सा ज़्यादा है, 71 इंडस्ट्री का पी रेशियो है। और डिविडेंड देख सकते हैं 2500% का, मतलब डिविडेंड भी कंपनियां शानदार देती है और हर रेगुलर इंटरवल पर डिविडेंड देती है। अर्निंग पर शेयर 28 का। उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन देखते हैं 21 जुलाई, आज ही इसका रिजल्ट भी आया है इस कंपनी का। उसके बाद स्पेशल डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, 30 जुलाई इसका अंतिम मतलब एक्स डिविडेंड डेट है, तो आपको 29 जुलाई तक बाय कर लेते हैं, 29 जुलाई तक तो आपकी कंपनी के डिविडेंड मिल सकते हैं। उसके बाद डिविडेंड लगातार दिया है कंपनी, 2020 में भी दो बार हो चुका है, 2019 में भी दो बार। इसी तरह आप यहाँ व्यू मोड पर क्लिक करके आप कंपनी का पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं कब कब कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो पिछले कई सालों से 20 से 25 सालों से कंपनियां लगातार डिविडेंड देती है, तो रेगुलर इंटरवल पर डिविडेंड दिया है, तो लगातार हर साल डिविडेंड दिया है कंपनी। उसके बाद बोनस, काफ़ी समय से बोनस नहीं दिया है, लेकिन अब आपको कंपनी बोनस देगा। क्यों? क्योंकि बीच में कंपनी जो उतना परफॉर्म नहीं किया था, अब कंपनी जो है कई सारी कंपनियों को ये एक्वायर कर चुका है, और जो कि हम प्रोडक्ट पे आपको जाएंगे तो देखें आपको दिखाएंगे इसके कई सारे ब्रांड हैं अब जो मार्केट में काफ़ी लीड कर रहे हैं। तो फिर से आगे इसमें एक बहुत बड़ा ग्रोथ आ सकता है, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट पे पकड़ है, कई सारी छोटी छोटी कंपनी को एक्वायर किया है, मार्केट पे पकड़ काफ़ी बेहतरीन हो चुका है इस कंपनी का। उसके बाद स्टॉक स्प्लिट, 2000 ईस्वी में स्टॉक स्प्लिट किया है, तो मतलब बस यही 10-20 सालों से ये कंपनी जो है बोनस नहीं दिया है, लेकिन अब बोनस आपको ये शेयर देगा। अभी पैंडमिक सिचुएशन नहीं आता तो कंपनी का शेयर का प्राइस जो है आपको 3000 के करीब ये कंपनी का प्राइस मिलता, और अब देखिएगा इस कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी मोमेंटम आएगा। और जितने भी फंडामेंटल्स पैरामीटर्स हम आपको दिखाएंगे, इतने बेहतरीन है इस कंपनी के सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स, इतने बेहतरीन है कि आप उतना किसी भी कंपनी में आपको देखने जल्द नहीं मिलेगा, बहुत ही कम कंपनियों में ऐसे फंडामेंटल्स आपको देखने मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। उसके बाद फाइनेंशियल देख लीजिए, कंपनी लगातार प्रॉफिट मेक की है, यहाँ पर देखते हैं इस पैंडेमिक में भी कंपनी का जो प्रॉफिट है 1897 मतलब 1900 करोड़ के आसपास, जो कि क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी जंप किया, देखते हैं 1795 से डायरेक्ट हो गया 1897, तो देखते हैं काफ़ी प्रॉफिट में जंप हुआ है। और कंपनी का जो यहाँ देखते हैं सेल्स रेवेन्यू है, ये भी कांस्टेंट है। इसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट देख लेते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट नीचे चलते हैं, कंपनी का जो बैलेंस शीट है हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो रिजर्व कंपनी का देख सकते हैं है 7,815 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो रिजर्व आपने देख ले, 7,815 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। उसके बाद जो डेट है, कर्ज है कंपनी के ऊपर, जो डेट है कंपनी का वो बिल्कुल जीरो है, और रिजर्व कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ, देख सकते हैं 6,000 करोड़ से ये चल गया 8,000 करोड़ के आसपास। और नीचे चलते हैं तो कंपनी का कैश और बैंक बैलेंस देख लीजिए, 5,000 करोड़ हो चुका है कैश और बैंक बैलेंस, जो कि लगातार इंक्रीज हुआ है 2700 करोड़ से 5,000 करोड़ के आसपास। तो देखते हैं कंपनी आपको बोनस शेयर कब देगी, कंपनी के पास रिजर्व जब बहुत ज़्यादा होगा, और वो रिजर्व जब कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूज करेगा तो आपको बोनस शेयर देगा, नहीं तो कंपनियाँ क्या करती है वो रिजर्व आपको डिविडेंड के रूप में पे कर देती है।
उसके बाद बुक वैल्यू देख सकते हैं, कंपनी का बुक वैल्यू काफ़ी इंक्रीज हुआ है, तो बुक वैल्यू काफ़ी बिल्डअप हुआ है। अब हम इसके डिफरेंट डिफरेंट रेशियो दिखाएंगे, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयमेंट है, ये देखने के बाद आप चौंक जाएंगे कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट काफ़ी बेहतर है। तो दोस्तों हम यहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ पर देखें डिफरेंट रेशियोज। तो सबसे पहले अर्निंग पर शेयर, तो देख लीजिए उन्नीस रुपया से अर्निंग पर शेयर बढ़ करके हो गया 31 रुपया। तो लगातार आपने देख सकते हैं ये 2020 का, ये 19 का, ये 18 का, 17, 16। तो 2016 से ये कंपनियों का, 2016 से देखिएगा तो कितना बढ़ चुका है, 50% अर्निंग पर शेयर बढ़ चुका है, 50% का रिटर्न अर्निंग पर शेयर पे। उसके बाद नीचे चलते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं 83.89, मतलब 84%। इतना आज तक मैंने रिटर्न ऑन इक्विटी किसी कंपनी का देखा ही नहीं। अब आप बताइए, अगर आपने देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 84%। जब ब्लू चिप कंपनी में हमें इतना परसेंट का रिटर्न मिल रहा है, तो हम क्यों जाएं अरे गरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं 89.49%, और ये लगातार कॉन्स्टेंट है, देख सकते हैं पिछले 4 सालों से। रिटर्न ऑन एसेट 34, हम तो 10 के ऊपर लेते थे, 12 के आसपास तो उसे ही बेहतर मानते थे। यहाँ रिटर्न ऑन एसेट है 34.37%, और ये भी देखते हैं पिछले 4 साल से कंसिस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट है। और डेप्ट इक्विटी रेशियो बिल्कुल 0। ऐसे भी आप डेप्ट फ्री कंपनियों में आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा प्राइस जो होगा टेक्निकल एनालिसिस पर बताएंगे कि प्राइस थोड़ा लोअर होना चाहिए, और आप इन्वेस्ट करते हैं डेप्ट फ्री कंपनी में और उसका बिजनेस है, मतलब प्रोडक्ट जो कंपनी का मार्केट में लीड करता है, तो निश्चित आपका रुपया जो है बनेगा, निश्चित आपको एक बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो अब चलते हैं हम कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो वो कंपनी जो सबसे पहले वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, और इसके प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं। तो इसके मतलब सबसे पहले इसके ब्रांड को, उस ब्रांड में कई सारे प्रोडक्ट हैं। तो चलते हैं हम नीचे, देखते जाइए आप AXE, क्या आपने ये यूज किया है? मैंने यूज किया है। आप इसमें से बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो इसके ब्रांड आप यूज किए होंगे, आप नहीं जानते होंगे कि ये इसी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्रोडक्ट है, लेकिन आप इसे ज़रूर यूज किए होंगे। AXE मैंने यूज किया है, आपको बताना है कि आप इसके कौन से प्रोडक्ट यूज किए हैं। देख सकते हैं डव मैंने यूज किया है, हॉर्लिक्स यूज किया है, और बहुत सारे यहाँ पर है जो आपने यूज किया है वो आप देखते जाइए। हमने जो यूज किया है वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पर देखते हैं, आपको बताते हैं साथ साथ सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं इसके। हॉर्लिक्स आपको बहुत सारे हॉर्लिक्स में देखते हैं, हॉर्लिक्स में बहुत सारे ब्रांड हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, लाइफ बॉय हमने यूज किया है, आप यूज करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए जो जो यूज करते हैं आप। देखते जाइए कौन कौन से प्रोडक्ट है इसके, पेप्सोडेंट हमने यूज किया है, लक्स हमने यूज किया है, मैग्नम देख सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखिए पेज 2 है, पेज 2 पे चलते हैं। पॉन्ड्स मैंने यूज किया है, सनसिल्क आपने यूज किया है तो कमेंट करना है। देखते जाइए बहुत सारे, विल मैंने यूज किया है, वैसलीन मैंने यूज किया है, देख सकते हैं हॉर्लिक्स, तो हॉर्लिक्स में बहुत सारे तरह के हॉर्लिक्स हैं इसमें। अब यहाँ देखिए ब्रू, यहाँ पर देखिए सिट्रा, बहुत सारे हैं। क्लोज अप मैंने यूज किया है, फेयर एंड लवली यूज किया है, लैक्मी आपने यूज किया है इसका तो लैक्मी, तो आप कमेंट बताइए कौन कौन से यूज किया है। रीन मैंने यूज किया है, पियर्स मैंने यूज किया है, तो देख सकते सर्फ एक्सेल मैंने यूज किया है, देख सकते हैं कितने सारे प्रोडक्ट हैं। और सारे प्रोडक्ट जो कि डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, भीम मैंने यूज किया है इसका, भीम अन्नपूर्णा अगर आपने यूज किया है तो बताइए, अन्नपूर्णा मैंने यूज किया है यहाँ पर। और नीचे चलते जाइए, देखिए ब्रुक बॉन्ड ताजा, ब्रुक बॉन्ड ताजमहल, इसमें से जरूर किसी ने आपने यूज किया, जैसे ब्रुक बॉन्ड ताजा है मैंने यूज किया है, अगर आपने यूज किया है तो बताइएगा। क्लिनिक प्लस मैंने यूज किया है, देखते जाइए। किसान सॉस मैंने यूज किया है, क्वालिटी वॉल्स देख सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके, मतलब बहुत सारे ब्रांड है जो कि आपने जरूर यूज किया होगा। यहाँ पर देखते जाइए, फिर यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो देखते जाइए बहुत सारे प्रोडक्ट, इतने प्रोडक्ट हैं मार्केट में, और ये सारे के सारे हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं, तो निश्चित ही आप भी यूज किए होंगे। तो जितना हमारा फैशन बढ़ेगा, फैशन जितना बढ़ेगा, मतलब जितनी हमारी लाइफ मॉडर्न होगी, जितनी लाइफ मॉडर्न होती जाएगी उतना ही इनके प्रोडक्ट ज़्यादा यूज होंगे। तो समझ सकते हैं ये कंपनियाँ पीछे क्यों नहीं बोनस ज़्यादा दी है, क्योंकि पीछे लाइफ उतना मॉडर्न नहीं था। अब ये इसके प्रोडक्ट जो है हर विलेज, हर गांव तक पहुंच चुका है इंडिया के, और जितना फैशन बढ़ेगा इसके प्रोडक्ट की डिमांड उतना ज़्यादा बढ़ेंगे और उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा।
तो अब हम इसके बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के, जिससे हम जानेंगे किस लेवल पर आपको बाय करनी चाहिए, तो लेवल्स और टारगेट क्या होगा उसके बारे में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये एक बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको इंट्राडे के लिए मैक्सिमम 20 रुपया और डिलीवरी के लिए बिल्कुल फ्री है। तो डिस्क्रिप्शन में देंगे लिंक से जाइए। अभी आपने अकाउंट ओपन नहीं किया जीरोधा में तो अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि हम सारे चार्ट्स यहीं जीरोधा पे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो सारे मूविंग एवरेज है, 200 डे का जो मूविंग एवरेज है वो है मात्र 2081 रुपीज़ है मात्र। 100 डे का मूविंग एवरेज है इसका मात्र 2141 रुपीज़। तो इस तरह से समझ सकते हैं काफी जो सारे के सारे मूविंग एवरेज है उससे एचयूएल का प्राइस काफ़ी ऊपर है। अब हम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें, जब आपको अप्रैल के महीने में मतलब मार्च में गिरावट आया, अप्रैल में भी सारे के सारे स्टॉक गिरे हुए थे, उस समय ये अपना ऑल टाइम हाई बना रहा था। ऑल टाइम हाई कहाँ पर? 2600 के ऊपर ये ऑल टाइम हाई अपना बनाया था। तो समझ सकते हैं जब सारे के सारे स्टॉक गिर रहे थे तो ये अपना ऑल टाइम हाई बना रहा था। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम भी उस बीच में काफ़ी बढ़ा था इसमें, और जब यहाँ पर गिरावट आया दोबारा तो यहाँ पर देखते हैं काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम आया। जब इसमें मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया था तो एक बार काफ़ी गिरावट हुई थी, यहाँ पर काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम आया था इसमें, और उसके बाद ये जो प्राइस है देखते हैं प्राइस ऊपर ही चलता गया। तो इसका आप यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो सबसे मेजर सपोर्ट है मतलब जो ऑल टाइम सपोर्ट है जहाँ तक ये काफ़ी करेक्शन के बाद आ सकता है, ऐसे अब इसमें आपको मार्केट में गिरावट देखने मिले लेकिन ये इस प्राइस के नीचे मिलना मुश्किल है, वो है 2000 का लेवल। 2000 के लेवल पे आना बहुत ही बहुत मुश्किल है। मार्केट में फिर से वही 8000 तक चला जाए मार्केट तभी आपको ये 2000 के लेवल पर मिल सकता है। तो मतलब 2000 का लेवल एक तरह से कहिए तो मुश्किल है 2000 के लेवल पर ये शेयर आपको मिलना। तो बनता क्या है 2100 रुपये का लेवल, जहां पर आपको मतलब ये मौका दे तो ज़रूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो इसमें आपको कब इन्वेस्ट करनी है, अगर 2100 के लेवल पे ये स्टॉक कभी भी आपको मिलता है तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। तो हमारा जो सलाह होगा 2100 रुपये के आसपास जैसे आपको मिलता है तो आप जितना चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उससे नीचे आता है कभी तो और इन्वेस्ट करें। और अगर कोई चाहते हैं कि अभी इन्वेस्ट करना, अभी आपको 2200 रुपये का वेट करना चाहिए, 2200 रुपये का ऊपर आता है मतलब 2200 के आसपास तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 2200 के आसपास। तो 2200 पर SIP स्टार्ट करनी है, 2100 रुपये पर आता है आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट करें। अगर कभी 2000 रुपये पर आ जाए तो जितना भी आपको पूंजी लगाना है लगा सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक आपको कभी भी मतलब लॉस नहीं देगा। अगर 2000 के ऊपर बाय करते हैं निश्चित है आप प्रॉफिट में रहेंगे और बेहतर रिटर्न प्राप्त करेंगे फ्यूचर में। और ऊपर का जो प्राइस का लेवल है और वहाँ पहला ये इसका 2500 है, उसके बाद 3000। पहला टारगेट होगा 2500, ऊपर का दूसरा टारगेट होगा 3000। RSI की बात करें अभी 67 है, जो ओवर मतलब ओवरबाउट होने का सिग्नल नहीं देता है, ओवरबाउट हो चुका था, फिर से ये यहाँ देखते हैं इसमें वीकनेस आ चुकी है, फिर से इसमें कल तेज़ी आपको देखने मिल सकता है अगर मार्केट इस पर पॉजिटिव रिस्पांस करता है। क्योंकि जो एस्टिमेट था जिसके कारण आप देखते हैं आज गिरावट आया था इसमें थोड़ी सी, लेकिन रिजल्ट मार्केट के बाद आया तो रिजल्ट जो है सारे एस्टिमेट को बीट कर दिया है। तो निश्चित है इसमें कल तेज़ी आपको देखने मिल सकती, हो सकता है ये 50 रुपया गैप अप भी ओपन हो जाए। तो ये सारे थे लेवल्स और टारगेट शॉर्ट टर्म के। अब लॉन्ग टर्म चार्ट पर हम आपको ये शेयर दिखा देते हैं कि लॉन्ग टर्म पर कैसा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे जो HUL है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कभी भी अपने इन्वेस्टर को निराश नहीं किया है, कभी भी अपने इन्वेस्टर को निगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। लॉन्ग टर्म देखिएगा 1295% का रिटर्न, 1295% का रिटर्न दिया है। मतलब जो 20 साल से इसमें इन्वेस्टेड हैं तो उनके उनका जो मतलब अमाउंट है उसे 12 times कर दिया है, 12 times, और बहुत ही सिक्योर रूप से, क्योंकि ये बहुत ही सुरक्षित कंपनी है। मतलब जिस तरह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एक तरह से कहिए ये आप म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हैं, अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप 5 years में देखिएगा इसमें भी पॉजिटिव रिटर्न, 5 years में भी यहाँ से देख लीजिए आप कभी भी कोई इन्वेस्ट किया तो उसको पॉजिटिव रिटर्न 155% का रिटर्न, और अगर 1 year में भी कोई इन्वेस्ट किया उसको भी पॉजिटिव रिटर्न। मतलब कभी भी कोई इन्वेस्ट किया तो उसे ये निराश नहीं किया है, 37% का रिटर्न 1 year में।
तो कभी भी कोई भी मतलब कितना भी नया हो मार्केट में, वो उसने हिंदुस्तान लीवर में अगर इन्वेस्ट किया तो निश्चित है कि वो अपना लॉन्ग टाइम में प्रॉफिट में ही रहेगा। तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक जब भी आपको मिले इन्वेस्ट करने, गिरावट में जरूर इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।